हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर बॉटनी क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर्स में अबाउट दोज फिनोमिनास विच डू नॉट ओबे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में स्टडी किया था, और हमने स्टडी किया था मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट को डोमिनेंस। नाउ जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। नाउ हाउ डू वी डिफाइन प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी को हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज द मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। This is the simple definition of pleiotropy. By pleiotropy, we mean multiple effects of a gene. Now, what does this mean, multiple effects of a gene? जब हम मेंडलिज्म पढ़ रहे थे तो मेंडलिज्म में हमने ये पढ़ा कि हर कोई जीन जो है वो एक फिनोटाइप को इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर हमने एक टॉल पी प्लांट लिया था, और टॉलनेस एक कैरेक्टर है, उसके लिए भी जीन है, होते हैं पी प्लांट में। Now, जो टॉलनेस के लिए जीन है वो टॉलनेस को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से जो ड्वार्फनेस के लिए जीन होते हैं वो ड्वार्फनेस को कंट्रोल करते हैं, या जो राउंडेड शेप ऑफ सीड के लिए जो जीन्स होते हैं वो राउंडेड शेप ऑफ सीड्स कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। गोया कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मेंडलिज्म में हमने पढ़ा कि हर कोई जीन जो है वो एक फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, लेकिन प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिना है जो मेंडल के जाने के बाद देखा गया कि यह एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर एक जीन जो है वो सिर्फ एक फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं करता है, वो एक फिनोटाइप जो है उस पर असरअंदाज नहीं होता है, बल्कि एक जीन जो है प्लियोट्रॉपी में एक जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटाइप्स पर इफेक्ट डालता है, उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। जब एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स पर असर डालता है तब हम उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं, राइट? सो इन अदर टर्म्स हम इसकी एक और डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं दैट बाय प्लियोट्रॉपी वी मीन व्हेन ए जीन कंट्रोल्स मोर देन वन फिनोटाइप। जब एक जीन बहुत सारे एक से ज्यादा फिनोटाइप्स पर कंट्रोल करता है तब हम उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं, और ऐसे जीन्स जो प्लियोट्रॉपी दिखाते हैं दे आर कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स, दे आर कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स, राइट? तो द फिनोमिना इज प्लियोट्रॉपी, राइट, वेयर द जीन्स शो मल्टीपल इफेक्ट्स, वेयर द जीन्स कंट्रोल मल्टीपल फिनोटाइप्स, एंड दोज जीन्स विच शो प्लियोट्रॉपी दे आर कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स। नाउ प्लियोट्रॉपिक जीन जो होते हैं ये जब हम इनका जो चूंकि ये बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं तो एक प्लियोट्रॉपिक जीन जो होता है वो बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है, लेकिन हर फिनोटाइप जिनको वो कंट्रोल करता है हर फिनोटाइप पर उसका असर जो है वो बराबर जो है इफेक्ट जो है वो बराबर नहीं रहता है। उन बहुत सारे फिनोटाइप्स में प्लियोट्रॉपिक जीन जो है उसका किसी एक फिनोटाइप पर ज्यादा असर रहता है, वो उसको ज्यादा इफेक्ट करता है, और बाकी जो जो फिनोटाइप्स होते हैं उन पर वो थोड़ा कम इफेक्ट करता है। तो इसके हिसाब से प्लियोट्रॉपिक जीन जो है उसका इफेक्ट जो होता है वो दो किस्म का होता है। एक हम बोलते हैं मेजर इफेक्ट। मेजर इफेक्ट का मतलब है कि जब एक प्लियोट्रॉपिक जीन किस बहुत सारे कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, उस एक कैरेक्टर को ज्यादा कंट्रोल करने को हम मेजर इफेक्ट बोलते हैं, और उसके साथ साथ उसके एक उस फिनोटाइप के अलावा मेजर इफेक्ट के अलावा जो बाकी फिनोटाइप्स पर वो इफेक्ट डालता है लेकिन उतना नहीं जितना वो इस मेजर इफेक्ट वाले फिनोटाइप पर डालता है, देन दैट इज कॉल्ड एज इट इज सेकेंडरी इफेक्ट, राइट? तो मेजर इफेक्ट का मतलब है जब एक प्लियोट्रॉपिक जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स में से एक फिनोटाइप पर ज्यादा असर डालता है उसको हम कहते हैं मेजर फिनोटाइप इफेक्ट, और जो बाकी फिनोटाइप्स हैं उनको पर भी वो असर डालता है लेकिन उतना असर नहीं डालता है, थोड़ा कम ही डालता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। नाउ प्लियोट्रॉपी को स्टडी करने के लिए कि प्लियोट्रॉपी जो है इसका सबसे खूबसूरत जो एग्जाम्पल हम लेंगे जहां पर प्लियोट्रॉपी देखी गई है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया,
राइट। सिकल सेल एनीमिया जो है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सिकल जो है जिसको फसल जिसको द्रांती कहा जाता है, कश्मीरी में द्रोत कहा जाता है, जिसको फसल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है राइट। इसको हम सिकल कहते हैं राइट। तो यहां पर जो है सिकल शेप इस तरह से जो है, इस शेप को हम सिकल कहते हैं। और एनीमिया का आपको जैसे पता है कि एनीमिया का मतलब है जब ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक ऐसी एक किस्म की बीमारी है, डिजीज है राइट, जहां पर प्लियोट्रोपी देखी जाती है। इससे पहले कि हम जो है इसके इसकी जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करें, मैं आपको थोड़ा बहुत सिकल सेल एनीमिया जो है डिजीज है इसके बारे में बताता हूं। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है विच इज कंट्रोल्ड बाय इट्स एन ऑटोसोमल डिजीज राइट। ऑटोसोम्स, जैसे आपको पता है क्रोमोसोम्स दो किस्म के होते हैं, ऑटोसोम्स राइट और सेक्स क्रोमोसोम्स राइट। तो हम ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम जो होते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया जो है इट्स एन ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज का मतलब है जिन जीन्स की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है दे आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, सो इट्स एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज। नंबर सेकंड, जो दूसरा कैरेक्टर इस सिकल सेल एनीमिया के बारे में है वो ये है दैट इट्स मोस्टली फाउंड इन अफ्रीकन पीपल। इट्स मोस्टली फाउंड इन अफ्रीकन पीपल। अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वहां, जो ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है कि किसी वक्त कभी किसी जमाने में इनके जीन्स में जो है वो म्यूटेशन हो गई और वो सिकल सेल जीन जो है वो इनकी पॉपुलेशन में आ गया और वो जीन जो है वो इन अफ्रीकन पीपल में फैल गया। तो ये ज्यादातर सिकल सेल एनीमिया जो है इट्स फाउंड इन अफ्रीकन पीपल। एंड ये देखा गया है अराउंड मैक्सिमम 20-40% ऑफ द अफ्रीकन पीपल हु लिव इन अफ्रीका they contain these they are infected by sickle cell anemia or they contain this sickle cell genes in them. Number third jo hai iske bare mein sickle cell anemia ke bare mein ki is sickle cell anemia jin persons mein hota hai unke rbcs jo hain they become sickle shaped, rbcs become sickle shaped at लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। ये देखा गया है कि जिन ह्यूमंस में, जिन इंसानों में सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें आरबीसीज जो होते हैं वो सिकल शेप्ड बन जाते हैं, लेकिन किस वक्त, एट लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। जब वो लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे वो इंसान राइट, जब उनका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन सराउंडिंग में कम हो जाएगा तो उनके आरबीसीज जो है वो सिकल शेप्ड बन जाते हैं। एंड नंबर फोर्थ कैरेक्टर अबाउट दिस सिकल सेल एनीमिया इज दैट दे कंटेन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। जिन ह्यूमंस में सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो हमारे आरबीसीज के ऊपर होता है और हीमोग्लोबिन का फंक्शन है that hemoglobin carries oxygen from our lungs to different parts of our body, to different cells and tissues, and hemoglobin jo hai wo oxygen ko hamare ek ek cell tak pahunchane ka kaam karta hai. Jab hum hemoglobin jo hai iska structure jab hum dekhte hain to important jab hai isme chains hote hain jo jisse hum yahan par wabasta hain, beta polypeptide chain jo hai right, इट्स ए चेन विच इज मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स। इसमें बहुत सारे एमाइनो एसिड होते हैं, मिसाल के तौर पर एमाइनो एसिड 1, उसके बाद एमाइनो एसिड 2, एमाइनो एसिड 3, एमाइनो एसिड 4, एमाइनो एसिड 5 एंड एमाइनो एसिड 6, इसी तरह से एमाइनो एसिड 7। तो ये एमाइनो एसिड्स की चेन होती है, इसको हम बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। दिस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इज पार्ट ऑफ
द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, ये हीमोग्लोबिन में मौजूद होती है। अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, इसमें जो है एमिनो एसिड्स जो हैं वो इसमें एक 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 चेन की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। नाउ चूंकि मैंने आपको कहा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उन ह्यूमंस में, उन ह्यूमंस के आरबीसीज के ऊपर जिनमें ये सिकल सेल एनीमिया होता है, तो व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन में एमिनो एसिड्स की एक चेन होती है, और जैसे एमिनो एसिड 1, 2, 3, 4, हर एमिनो एसिड जो है वो स्पेसिफिक होता है, यहां पर एक एमिनो एसिड होगा, यहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह से एमिनो एसिड जो है वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन में। लेकिन जब हीमोग्लोबिन जो है यहां पर पर्टिकुलर जो हमारा पोजिशन है, यहां सिक्स्थ पोजिशन पर मैं यहां पर ये लिखूंगा कि सिक्स्थ पोजिशन पर राइट एक एमिनो एसिड होता है, उसको हम वैलिन कहते हैं, वैलिन एमिनो एसिड। इट इज प्रेजेंट एट सिक्स्थ पोजिशन, ये एमिनो एसिड सिक्स्थ होता है। मैंने बाकी जो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एमिनो एसिड 1, 2, 3, 4, 5 और छठे पर वैलिन होता है, और फिर आगे भी इसके जो है एमिनो एसिड्स होते हैं। जब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 6 पर वैलिन है, मैं 6 ही डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमारा यहीं पर कंसर्न जो है वो ज्यादा है, क्योंकि हम सिकल सेल एनीमिया के साथ डील कर रहे हैं। नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, उसमें एमिनो एसिड्स की एक सीक्वेंस होती है और सिक्स्थ पोजिशन पर वैलिन होता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव जो होता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, उसमें वैलिन के बदले एक दूसरा एमिनो एसिड आ जाता है कार्बन, इसमें पोजीशन नंबर 6 पे, एंड दैट्स कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड, इट्स कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसमें सिक्स पोजीशन पर वैलिन होता है, लेकिन जब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें सिक्स्थ पोजीशन पर वैलिन के बदले ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, और जब ग्लूटामिक एसिड आ जाता है तो ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन डिफेक्टिव बन जाती है, इसकी वजह से, इसकी बदौलत ये हीमोग्लोबिन भी डिफेक्टिव बन जाता है, इसी को हम कहते हैं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का मतलब है जब एमिनो एसिड नंबर 6 पे वैलिन के बदले ग्लूटामिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा, राइट। तो इनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है सिकल सेल एनीमिया में। ओके, तो ये हो गई सिकल सेल एनीमिया की डिजीज के बारे में थोड़े बहुत इनके कैरेक्टर्स। अब हम थोड़ी जेनेटिक्स इनकी जो है वो उस पर आ जाते हैं, इस प्लियोट्रॉपी को समझने के लिए और सिकल सेल एनीमिया को समझने के लिए इसकी जेनेटिक्स जो है वो हम उस पर आ जाते हैं। देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए हमारे ह्यूमंस में जो है जीन्स होते हैं, और उस जीन्स के दो एलील्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन जीन जो नॉर्मल होता है उसके दो एलील्स जो होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय HbA एंड HbA, दीज आर टू नॉर्मल एलील्स, राइट। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जहां पर प्रेजेंट होगा, यहां पर सिकल सेल एनीमिया में चूंकि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है, तो उनमें एक अलील जो होती है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक अलील जो है वो उसमें म्यूटेशन हो जाती है, और हो बहुत पहले हुई है म्यूटेशन, और वो डिफेक्टिव अलील बन जाता है। तो जिन इंसानों में सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है, और उनमें उस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो दो एलील्स होते हैं वो होते हैं HbA और HbS। नॉर्मल में दो एलील जो होते हैं वो दोनों एलील्स नॉर्मल होते हैं, HbA एंड HbA, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए जो दो एलील्स होते हैं उसमें एक एलील नॉर्मल होता है यानी कि HbA, और दूसरा एलील जो होता है वो डिफेक्टिव होता है HbS, और इस डिफेक्टिव एलील की वजह से इनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है, राइट। वैलिन के बदले ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, और जिस वजह से फिर जो है वो
ये एलील्स की वजह से, डिफेक्टिव एलील की वजह से जो हीमोग्लोबिन बन जाता है वो डिफेक्टिव बन जाता है। ओके, तो ये हो गई नॉर्मल इंसान में हीमोग्लोबिन के लिए जो दो एलील्स हैं HPA HPA, और डिफेक्टिव सिकल सेल एनीमिया जिन पर्सन्स में होगा उनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है और उसमें दो एलील्स होते हैं HbA एंड HbS। राइट, नाउ दिस HbA एंड HbS जो है ये हेटरोजाइगस कंडीशन में है, दे आर हेटरोजाइगस कंडीशन। क्योंकि हेटरोजाइगस कंडीशन क्यों है, क्योंकि जिस इंसान में एक एलील हीमोग्लोबिन के लिए नॉर्मल होगा एक डिफेक्टिव होगा HbA और HbS, उसमें एक जो है HbA वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, HbS जो है वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कोडोमिनेंस यहां पर ये दिखाएंगे। राइट, तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन में जब होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज कैरियर्स, इनको कैरियर्स कहा जाता है या इसको सिकल सेल ट्रेट भी कहा जाता है। नाउ दीज कैरियर जो है, चूंकि इन कैरियर्स में आपको ये बता दूं कि जिस इंसान में एक एलील नॉर्मल होगा एक डिफेक्टिव होगा उसमें सिकल सेल की बीमारी नहीं होती है, बज़ाहिर नहीं होती है, एलील तो मौजूद अंदर होता है लेकिन बीमारी नहीं होती है जाहिर पूरी तरह। राइट, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी लेता है क्योंकि उसमें HbA की बदौलत नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है और HbS की वजह से डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो आधा हीमोग्लोबिन उसका नॉर्मल होता है, आधा हीमोग्लोबिन उसका डिफेक्टिव होता है। तो आधा हीमोग्लोबिन चूंकि नॉर्मल होता है तो वो अपनी नॉर्मल जो है लाइफ गुजार लेता है। तो कैरियर्स जो है या हेटरोजाइगस कंडीशन जो होती है या कैरियर्स जो है इस सिकल सेल एनीमिया के कैरियर्स जो हैं वो नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब किसी इंसान में दोनों एलील जो हैं वो डिफेक्टिव हो, यानी कि जब दोनों HbS हो और HbS, यानी कि दोनों एलील जो हीमोग्लोबिन के लिए हैं वो डिफेक्टिव हैं। राइट, एक HbS वो भी डिफेक्टिव है और दूसरी एलील भी डिफेक्टिव है HPS। तो इसका मतलब है जिस इंसान में हीमोग्लोबिन के दोनों एलील डिफेक्टिव होंगे उसमें जो है सिकल सेल एनीमिया फुल ब्लोन होगा, पूरी तरह उसको जो है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी जो है वो उसमें जाहिर हो जाएगी। राइट, तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये उन जिन इंसानों में प्रेजेंट होगी, फुल पूरी तरह ये बीमारी जिनमें प्रेजेंट होगी उनमें दोनों एलील जो है वो डिफेक्टिव होते हैं HbS और HbS, और उनमें सारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है। राइट, सारा हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है, HbS हीमोग्लोबिन वो सारा डिफेक्टिव होता है और उसकी वजह से उनमें ये पूरी तरह बीमारी जाहिर हो जाती है। नाउ जिस इंसान में एलील जो है वो दोनों डिफेक्टिव होंगे, सबसे पहला चीज जो उसमें होगा जिसको हम कहते हैं मेजर इफेक्ट, जो फिनोटाइप उनका होगा, मेजर इफेक्ट क्या होगा, मेजर इफेक्ट ये होगा कि जिस इंसान के दोनों हीमोग्लोबिन एलील डिफेक्टिव होंगे उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जो सबसे पहला सामने आएगा वो होगा उसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा जिसको हम HbS कहते हैं। राइट, तो जिस इंसान में, मैं रिपीट करता हूं, जिस इंसान में दोनों हीमोग्लोबिन के एलील्स डिफेक्टिव होंगे उसमें से पूरी तरह जो है उस इंसान में सिकल सेल की बीमारी होगी, और चूंकि दोनों एलील्स डिफेक्टिव हैं उस वजह से इसमें मेजर फिनोटाइप इफेक्ट जो आएगा उस इंसान का वो ये आएगा कि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, डिफेक्टिव रहेगा, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन उसमें आएगा। नॉट ओनली दैट, ये एलील सिर्फ इसी चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, इसी फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं करेंगे। राइट, प्लियोट्रॉपी का क्या मतलब है, प्लियोट्रॉपी का मतलब है जब एक जीन या एलील्स बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं तब हम उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो यहां पर HbS जिस इंसान में होगा उसमें तो पहली फिनोटाइपिक चेंज होगी कि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव होगा, ये पहली चेंज है, ये पहला फिनोटाइपिक चेंज है। लेकिन इसके अलावा और भी फिनोटाइप्स पर ये एलील्स इफेक्ट अपना डालेंगे, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट में क्या होगा, अब देखिए, जिसका RBCs के ऊपर, ये RBCs होती है नॉर्मल RBCs, ग्लोबुलर और स्फेरिकल शेप्ड होती है, उनके ऊपर जो होता है ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मैं आपको रफली डायग्राम दिखा रहा हूं। राइट, जिन एलील्स में मिसाल के तौर पर ये RBCs हैं, जिस इंसान में दोनों एलील्स डिफेक्टिव होंगे पहला फिनोटाइपिक इफेक्ट जो होगा उसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा। जब उनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा व्हाट विल हैपन एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर ये इंसान
जो है लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में आ जाता है। मिसाल के तौर पर वो किसी हाइट पर चला गया या गर्मी की वजह से उसको कम ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है। जब हम देखते हैं जब गर्मी बाहर बहुत ज्यादा होती है तो हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ जैसी महसूस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब बाहर ज्यादा गर्मी होती है तो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है उस टाइम पर, राइट। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है इसमें एग्रीगेशन हो जाती है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन एग्रीगेट हो जाते हैं आरबीसीज के ऊपर और वो फाइबर्स जैसे बन जाते हैं, वो स्टिफ बन जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से ये आरबीसीज जो है इनकी शेप चेंज हो जाती है। दीज आरबीसीज बिकम सिकल शेप, दे बिकम सिकल शेप्ड आरबीसीज। तो दिस इज अनदर फिनोटाइप जो ये एलील्स कंट्रोल करते हैं। पहला फिनोटाइप जो ये एलील्स कंट्रोल करते हैं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, राइट, जो इसका मेजर इफेक्ट है। और सेकेंडरी इफेक्ट में ये एलील जो है इस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के अलावा सिकल शेप्ड आरबीसीज को भी कंट्रोल करते हैं, उस पर भी इफेक्ट अपना डालते हैं। तो ये दूसरा फिनोटाइप है जिस पर ये एलील्स अपना इफेक्ट डालते हैं। नॉट ओनली सेकेंडरी इफेक्ट यही नहीं बल्कि अब जिस इंसान में सिकल शेप्ड आरबीसीज हो गए एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अब उसकी वजह से जो है ये आरबीसीज, नॉर्मल आरबीसीज जो होती हैं ये राउंड होती हैं, काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, ये वीन्स और कैपिलरीज के अंदर पास हो जाती हैं क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। लेकिन जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होती हैं, जो इनमें सिकल शेप्ड एनीमिक पर्सन में होता है, ये सिकल शेप्ड आरबीसीज जो होती हैं ये काफी स्टिफ होती हैं, काफी हार्ड होती हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। उस वजह से छोटी छोटी वीन्स और कैपिलरीज में ये सिकल शेप्ड आरबीसीज जो हैं ये वहां पर फंस जाती हैं, राइट, दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड कैपिलरीज एंड स्मॉल वीन्स। उसकी वजह से वो कैपिलरीज और वीन जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन उनकी वजह से रुक जाता है। तो जब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है, ये पहला फिनोटाइप है जिसको ये कंट्रोल करते हैं, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज की चेंज शेप जो है वो चेंज हो जाती है, इट बिकम सिकल शेप्ड, राइट। एंड उसके अलावा ये सिकल शेप्ड आरबीसीज हमारी कैपिलरीज में फंस जाती हैं जिसकी वजह से सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है। सो उसका एक और इफेक्ट जो फिनोटिपिक होता है पुअर सर्कुलेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कमजोर हो जाती है। उसके साथ साथ जो सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं, अगर हम नॉर्मल आरबीसीज की बात करें, नॉर्मल आरबीसीज की जो लाइफ होती है वो 120 डेज होती है एवरेज, राइट, लेकिन जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होती है इनकी लाइफ जो है वो 120 दिन से कम हो जाती है। तो 120 दिन लाइफ आरबीसीज की कम होने की वजह से ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं इनकी डेथ अर्ली हो जाती है। जब आरबीसीज की डेथ बहुत तेजी से हो जाती है एज कंपेयर टू जिस स्पीड से आरबीसीज बनती हैं हमारी बॉडी में, अगर उस स्पीड से ज्यादा आरबीसीज की डेथ हो जाती है, सिकल शेप्ड आरबीसीज की डेथ ज्यादा हो जाती है रफ्तार से, तो हमारी ब्लड में आरबीसीज की कमी हो जाती है, राइट। जब आरबीसीज की कमी हो जाती है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज के ऊपर होता है, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। तो जिस इंसान में आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसमें एनीमिया भी हो जाता है। तो ये एक और फिनोटिपिक इफेक्ट है जो ये एलील्स कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट डालते हैं कि ये जिस इंसान में HBS डिफेक्टिव एलील्स होंगे वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन उसमें प्रोड्यूस करते हैं, आरबीसीज की शेप जो है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है, एनीमिया उस इंसान को हो जाता है। जिस इंसान को एनीमिया हो जाता है उसको वीकनेस आ जाती है, वो कमजोरी उसको आ जाती है, उसको फैटीगनेस आ जाती है। फैटीगनेस का मतलब है कि वो थोड़ा बहुत काम करने से थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है। नंबर सिक्स, उसको हेडेक्स आते हैं, राइट, उसको सर में अक्सर दर्द रहता है क्योंकि उसकी ब्रेन्स को जो है पूरी तरह कम हीमोग्लोबिन ब्लड में होने की वजह से उसके ब्रेन्स को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से उसको हेडेक्स हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली उसकी किडनीज पर इफेक्ट पड़ता है, राइट, उसकी किडनीज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसकी किडनीज जो है वो खराब होने लगती हैं और उसमें उसको जो है हार्ट स्ट्रोक का खतरा रहता है और उस पर उसके हार्ट पर भी असर पड़ता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वीक हो रही है, राइट, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है एंड अल्टीमेटली जो है उसकी डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली वो मर जाता है। तो यहां पर आप देखिए, आप एलील एक ही है, अगर ये नॉर्मल मेंडेलियन एलील
अगर हम देखते तो ये एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करते, लेकिन ये प्लियोट्रॉपी का इफेक्ट है। यहां पर ये जो अलील्स हैं ये सिर्फ एक फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये एक से ज्यादा बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से जो है इस फिनोमिना को जहां पर अलील्स जो है, ए पेयर ऑफ अलील्स दे कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइप, राइट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी एंड दिस टाइप ऑफ द अलील विल बी कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक genes or pleiotropic alleles, right? So sickle cell anemia is the best example of pleiotropy. जिस इंसान में sickle cell anemia की बीमारी पूरी तरह होगी उसमें दोनों alleles defective होते हैं, defective alleles होने की वजह से defective hemoglobin बन जाता है, sickle shaped RBCs बन जाती हैं, poor circulation, anemia, weakness, fatigueness, headache, right kidney ailments and heart stroke and उसकी death हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है दो alleles कितने सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। नाउ थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि मैंने आपको कहा कि अफ्रीकन पीपल में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया, राइट, लेकिन ये देखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया जो है ये अफ्रीका के लोगों को थोड़ा एडवांटेज भी देता है। वो ये एडवांटेज देता है, राइट, जिन अफ्रीका के लोगों में अफ्रीकन पीपल जो होते हैं जिनमें ये सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होगी या जिनमें ये अलील्स होंगे, खास तौर पर HbA और HbS चूंकि ये कैरियर्स होते हैं, तो जिन अफ्रीकन पीपल में जहां पर भी ये अलील्स मौजूद होंगे या सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पूरी तरह होगी या वो कैरियर्स होंगे, उनमें एक एडवांटेज रहती है दैट दे डू नॉट सफर फ्रॉम मलेरिया। जिन इंसानों में सिकल सेल्ड जो है ये होता है आरबीसीज या उनमें एक अलील नॉर्मल होता है, एक डिफेक्टिव वो कैरियर्स होते हैं या उनमें बीमारी होती है, ये देखा गया है कि जिनमें ये डिफेक्टिव अलील होगा उन अफ्रीकन लोगों में मलेरिया नहीं होता है। वो इसलिए, मलेरिया इज ए डिजीज विच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चला जाता है जहां पर वो आरबीसीज के अंदर दाखिल हो जाता है, राइट, प्लाज्मोडियम आरबीसी मलेरियल प्लाज्मोडियम आरबीसीज के अंदर दाखिल होता है और वहां पर ये रिप्रोड्यूस करता है, नए प्लाज्मोडियम बनाता है। आरबीसीज के अंदर रहने की वजह से जो है वो इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाते हैं, इस वजह से मलेरिया जो है उसको ट्रीटमेंट में काफी टाइम लगता है क्योंकि आरबीसीज के अंदर होते हैं ये प्लाज्मोडियम छुपे हुए। लेकिन जो इंसान कैरियर होगा या जिसमें ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होगा या जिस इंसान में ये जो है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होगा उस इंसान में क्या होता है, उस इंसान के डिफेक्ट आरबीसीज के अंदर जब ये प्लाज्मोडियम चला जाता है तो उनके आरबीसीज जो है प्लाज्मोडियम के अंदर दाखिल होते ही वो आरबीसीज जो है वो चूंकि उनमें ये डिफेक्टिव एलील होता है प्लाज्मोडियम के अंदर जाते ही वो जो है उनकी शेप चेंज हो जाती है और वो सिकल शेप्ड बन जाते हैं। और ये देखा गया है कि ये प्लाज्मोडियम जो है ये सिकल शेप्ड आरबीसीज के अंदर ज्यादा देर तक रह नहीं पाता है जिंदा, राइट, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि सिकल शेप्ड आरबीसीज जो है इनकी भी लाइफ अपनी खुद भी कम हो जाती होती है, तो ये जल्दी जल्दी इनकी आरबीसीज की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से प्लाज्मोडियम की भी जल्दी डेथ हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि प्लाज्मोडियम जब इन सिकल शेप्ड आरबीसीज के अंदर होता है वो ज्यादा देर तक वहां सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी वहां पर डेथ हो जाती है और इस वजह से जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में इलिमिनेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इस तरह से ये जो इंसान होते हैं जिनमें सिकल सेल्ड एनीमिया के अलील्स होते हैं या सिकल सेल्ड आरबीसीज होते हैं उनमें जो है मलेरिया नहीं होता है क्योंकि जो प्लाज्मोडियम जो है उनके सिकल शेप्ड आरबीसीज के अंदर चला जाता है वहां पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है, उसकी डेथ हो जाती है प्लाज्मोडियम की और साथ साथ सिकल शेप्ड आरबीसीज की भी जल्दी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से ऐसे इंसानों को मलेरिया से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये देखा गया है कि अफ्रीका के लोगों में ज्यादा जो है मलेरिया ऐसा नहीं होता है। नाउ अफ्रीका जो है वहां के लोगों में चूंकि ये डिफेक्टिव एलील्स पूरी पॉपुलेशन में फैल चुके हैं तो वहां पर जो है काफी टेस्टिंग की जाती है सिकल शेप्ड जो है एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है और ब्लड टेस्ट के जरिए जो है आरबीसीज की शेप को देखा जाता है, राइट, और फिर जो है वहां पर पता चलता है
कि इस इंसान में सिकल सेल की बीमारी है या सिकल सेल की बीमारी नहीं है. तो इस तरह से दिस इज द फिनोमिना विच डज नॉट एक्चुअली ओबे मेंडल्स लॉ एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी एंड द एलील्स एंड द जीन्स और एलील्स विच डू नॉट विच डू नॉट इफेक्ट नॉट ओनली जस्ट वन फिनोटाइप बट दे इफेक्ट मैनी फिनोटाइप्स. Those genes or alleles are called as pleiotropic genes. With this, we end this lecture. Thank you for listening. Thank you very much. God bless you.